हमको मालूम है अगर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है तो हमारा इतिहास भगवान राम का 17 लाख साल पुराना इतिहास है। उस समय भी विमान था, राम राज्य जब आते तो राम राज्य के लिए विमान की अत्यंत आवश्यकता लगती है। विमान के माध्यम से हमारे देश और प्रदेश में अंदर गति हो, प्रगति हो, और दुश्मन आग दिखाए तो आंख में आग डाल करके हिसाब चुकता करने के लिए भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक में ग्वालियर से हवाई जहाज उड़े थे और पाकिस्तान की हवा निकालने का काम किया था। ये इतिहास भी ग्वालियर का है। ये केवल हमारी सुख सुविधा के लिए नहीं बन रहे हैं, ये जीवन के सब क्षेत्रों में समान रूप से इसी प्रकार से विकास के काम चलते जाएंगे। आज के इस अवसर पर जोरदार ताली बजा करके पूरे कार्यक्रम के साथ विकास के मामले में हम सब संकल्प करें, विकास का क्रम यही जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज देश भर में 16 एयरपोर्ट के साथ जबलपुर ग्वालियर में भी एयरपोर्ट की नए टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। इनका काम कितनी तेजी से हुआ इसका एक उदाहरण ग्वालियर का विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट है। यह सिर्फ 16 महीने में बनकर तैयार हो गया। पीएम ने कहा 2019 में जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए, वे धरातल पर उतर चुके हैं। आज 2024 में मेहरबानी करके इसे चुनाव की नजरों से न देखें। मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं और देश को दौड़ा रहा हूं। प्रधानमंत्री रविवार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से देश के 16 एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिस तरह हमारी सरकार जन कल्याण की योजनाओं को मेट्रो शहरों से आगे बढ़ाकर छोटे शहरों और गांव देहात तक ले गई, वैसे ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को भी हम छोटे छोटे शहरों तक ले जा रहे हैं। छोटे शहर भी अच्छे एयरपोर्ट, अच्छे हाईवे के उतने ही हकदार हैं जितने ही बड़े मेट्रो शहर। और भारत में जो तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है उसका जो प्लानिंग 30 साल पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम उसी को ध्यान में रखते हुए आज टीयर 2 टीयर 3 सिटी उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं ताकि अर्बनाइजेशन रुके नहीं और अर्बनाइजेशन एक अवसर बन जाए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का यही विजन डबल इंजन की सरकार का मूल। ग्वालियर एयरपोर्ट पर लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जुड़े। उन्होंने मंच से मजदूरों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की। अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 16,025 रुपए से बढ़ाकर 11,450 रुपए महीना की जाएगी। अर्धकुशल मजदूरों की मजदूरी 17,064 रुपए से बढ़ाकर 12,446 रुपए महीना की जाएगी। खेतिहर मजदूर की मजदूरी 13,096 रुपए से बढ़ाकर 9,160 रुपए महीना की जाएगी। गिरग वर्कर्स को संबल योजना में शामिल करेंगे। 50% लागत पर ई स्कूटर खरीदने वाले मजदूरों को 40,000 रुपए की मदद दी जाएगी। सिंधिया बोले जो 75 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा। ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा आज देश भर में एक साथ इतने एयरपोर्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है, 75 साल में यह कभी नहीं हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। वहीं जबलपुर में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि कार्यक्रम में शामिल हुए। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।